हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स. सो इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 2 हम देख रहे हैं. एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 2. ओके, 10.1 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था आपको वेक्टर्स के बारे में. नाउ इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वैक्टर्स, ना कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ वैक्टर्स होते हैं. सो द नंबर फर्स्ट इज जीरो वैक्टर. जीरो वैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? वैक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड. सपोज कोई भी वैक्टर है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनिशियल, जहाँ पे वो एंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल. तो ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है स्टूडेंट्स, एंड ये टर्मिनल पॉइंट कहलाता है. तो ऐसे वैक्टर्स जिनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और उसका टर्मिनल पॉइंट भी वही है, यानी वो कहीं चल ही नहीं रहा है, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ऐसे वैक्टर्स क्या कहलाते हैं? तो ये जो वैक्टर होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा जीरो वैक्टर. जीरो वैक्टर को हम कैपिटल ओ लिख के उसके ऊपर एरो मार्क करते हैं ना, कैपिटल ओ लिख के उसके ऊपर एरो मार्क करते हैं. दूसरा तरीका क्या होता है? ए ए, जैसे ये कोई ए है और ये वापस ए पे ही आ गया, यानी ये घूम के वापस ए पे ही आ गया, ये भी क्या कहलाता है? जीरो वैक्टर. ए ए बी बी, इट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है स्टूडेंट? जीरो. और इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? कोई सी भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. देन इट्स यूनिट वैक्टर. यूनिट वैक्टर क्या होता है? जैसे कि नाम आ रहा है यूनिट, यूनिट मीन्स वन. तो ऐसा वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट, यानी वन यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड है. वन यूनिट मीन्स आइदर वन सेंटीमीटर और वन मीटर, कुछ भी लेंथ का जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उस केस में अगर उसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे. और यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? ए कैप से, यानी जो भी वेक्टर है ए, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? ये छोटी सी आपको दिख रही होगी कैप, है ना. मैं एक बार इसको आपको और अच्छे से दिखाती हूँ. देखो ये जो छोटी सी आपको दिख रही है कैप, दिस इज डिनोटेड बाय ए कैप. तो ए कैप से हम उस वेक्टर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डिनोट करते हैं. तो ये अगर हमारा वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? जिसका मैग्नीट्यूड, छोटा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? वन है. डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी, जो ए की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन रहेगी? ए कैप की. बस मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा स्टूडेंट्स. देन उसके बाद आता है को इनिशियल वैक्टर्स. को इनिशियल वैक्टर्स क्या होते हैं? टू और मोर वैक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स. दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है. सपोज मैं ये इनिशियल पॉइंट लेके एक मैंने ये बना दिया वेक्टर ए, एक सपोज मैं ये बना देती हूँ वेक्टर बी, एक मैंने यहाँ बना दिया वेक्टर सी, एक इस डायरेक्शन में सपोज मैं बना देती हूँ वेक्टर डी. तो ये सब क्या कहलाएंगे? ए बी सी डी आर को इनिशियल वैक्टर्स. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? दैट ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं? ए बी सी डी आर को इनिशियल वैक्टर्स. ये सब क्या हैं स्टूडेंट्स? हमारे को इनिशियल वैक्टर्स हैं. इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी में चाहूँ तो एक यहाँ पे ई भी बना सकती हूँ. इस तरह से अगर ये कोई मैं, तो इन सब का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है. तो ये ए बी सी डी ई, ये सारे मेरे क्या हो गए स्टूडेंट्स? को इनिशियल वैक्टर्स हो गए. नाउ नेक्स्ट कम्स टू कोलिनियर वैक्टर्स. कोलिनियर वैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टू और मोर वैक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर. दो या दो से ज़्यादा वैक्टर्स कोलिनियर कब कहलाएंगे? कोलिनियर कब कहूँगी मैं उनको? टू और मोर वैक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन. अगर वो सेम लाइन के पैरेलल हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सपोज मैं यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन बना देती हूँ. सपोज यहाँ पे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज माय लाइन, ठीक है ना. अब यहाँ पे मैं बहुत सारे वेक्टर्स बनाती हूँ, जैसे कि आप देखना, बस वो सारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए? इसके पैरेलल होने चाहिए. सपोज ये मैंने वेक्टर बना दिया ए, दिस इज माय वेक्टर बी, ये मैंने वेक्टर बना दिया यहाँ पे, छोटा सा वेक्टर बना दिया मैंने सी. तो ये ए बी सी, ये सब क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स, है ना. जरूरी नहीं है कि सबकी डायरेक्शन इधर ही हो. सपोज मैं यहाँ पे एक और बना देती हूँ इस साइड में, ये मैंने कोई बना दिया डी, ठीक है ना. तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है सबका, लेकिन ये सब इस एक गिवन लाइन के क्या है? पैरेलल है. तो अगर कुछ सेट ऑफ वेक्टर, सपोज मैं कोई और लाइन ले लेती हूँ, सपोज हम इस तरह से इस टाइप से कोई लाइन ले लेते हैं, ये हमने लाइन ले ली. अब इस लाइन के पैरेलल जितने भी
वेक्टर्स अपन बना सकते हैं। सपोज एक ये वेक्टर हो गया, सपोज एक ये वेक्टर हो गया, इससे छोटा हो गया, यहाँ पे कोई मैंने ऐसा बना दिया, यहाँ पे कोई मैंने सबसे बड़ा बना दिया, तो ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इस लाइन के ये सब क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या है, सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, दिस इज ऑल्सो ए सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर। सपोज यहाँ पे मैं लेके मेरी लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल ले लेती हूँ, ये मैंने हॉरिजॉन्टल सपोज ये कोई मैंने लाइन ले ली। अब इस लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स है, सपोज यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया नीचे की डायरेक्शन में, ये एक छोटा वेक्टर बना दिया, यहाँ एक बड़ा वेक्टर बना दिया, यहाँ एक इससे भी लंबा वाला वेक्टर मैं बना रही हूँ, यहाँ पे भी मैं एक और वेक्टर बना रही हूँ, तो ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। हम चाहें तो हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे इसकी भी मैं नेमिंग कर देती हूँ, ए बी सी डी एंड ई। इसी तरह से यहाँ भी हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं, ए बी, इसको मैं सी बोल देती हूँ, इसको डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया, इसको एफ बोल दिया। ओके, तो ये सारे सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, तो ये सब कोलिनियर है, ये ए बी सी डी यहाँ कोलिनियर है, और यहाँ पे ये ए बी सी डी ई कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, जबकि इन सब का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग है। इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं, दैट व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल की जब भी हम बात करेंगे तो हम कितनी क्वांटिटीज लेंगे, टू क्वांटिटीज। तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब हमको, यानी दो चीज़ों को इक्वल की बात हम करते हैं। तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, उनको हम इक्वल कहेंगे इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। तो ज़रूरी नहीं है, सपोज ये मेरा एक वैक्टर ए यहाँ से शुरू हुआ है, इसको मैं ए बोल देती हूँ, और एक मेरा वैक्टर बी कोई मैंने यहाँ से शुरू किया और इसको मैंने क्या बोल दिया, बी, ठीक है ना। बस इन दोनों का क्या होना चाहिए, इफ़ दे हैव द सेम, अब ये दीज आर नॉट इक्वल बिकॉज एक ए इधर है और बी किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो है ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। अगर कोई यहां से शुरू हो रहा है ए और यहां से ही सपोज मैं बी को शुरू कर देती हूँ, ओके, तो लेकिन होने दोनों क्या चाहिए, बराबर। ये ए है, ये बी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, है ना, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो इसीलिए ये कैसे वेक्टर्स हो गए हमारे पास, इक्वल वेक्टर। सपोज ये मेरा वेक्टर ए है, इसको मैंने नीचे की तरफ बना दिया, और एक मैं सपोज बी, मैग्नीट्यूड सेम है ना, लेकिन मैंने डायरेक्शन क्या कर दी, यहाँ पे इनकी उल्टी कर दी, तो ये हमारे इक्वल वेक्टर्स नहीं है। वाई, बिकॉज यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अनइक्वल है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी मैंने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या हो गई स्टूडेंट्स, चेंज कर दी, तो ये भी क्या है, हमारे इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्लियर। इस तरह से जितने भी और भी जो भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो उनको भी हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक और केस बना ही देती हूँ कि ये मेरा वेक्टर, मैंने इस लाइन में मैंने वेक्टर ए बनाया और इसी डायरेक्शन में सपोज मैंने एक वेक्टर क्या बना दिया, बी बना दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये भी जो है वो इक्वल, जो इक्वल वेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। तो एक केस हमारा ये वाला हो गया, एक केस हमारा ये हो गया, एक केस हमारा ये हो गया और एक केस हमारा ये हो गया। तो इन चार एग्जाम्पल से जो जो पॉसिबल केसेस हो सकते थे वो सब मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं कि दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स की इक्वलिटी की कंडीशन हम कब कब पढ़ेंगे। देन उसके बाद लास्ट आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कि किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम, मैग्नीट्यूड सेम है एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। सपोज ये वेक्टर ए है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं जो बनाऊंगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में जो मैं बनाऊंगी, ये क्या कहलाएगा, मेरा माइनस है। सपोज ये मेरा ऊपर की तरफ अगर मैं वेक्टर ए बना रही हूँ तो इसके जस्ट नीचे की तरफ जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा माइनस ऑफ वेक्टर। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रिमेन्स सेम। इसी तरह से सपोज इस डायरेक्शन में अगर मैंने बी वेक्टर बनाया है और इसी डायरेक्शन में मैं क्या बनाऊंगी, इसके अपोजिट जो भी डायरेक्शन होता है
वो क्या कहलाएगा, माइनस बी वैक्टर। सो दिस इज ए, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बना है ना, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी बना सकते हो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बना है दैट इज माइनस है। तो ये ए, ये माइनस है, ये बी, ये माइनस बी। तो ये जो वेक्टर कहलाता है, ये अब ज़रूरी नहीं है, अब जैसे मैंने बी यहाँ बनाया तो इसके नीचे जो वेक्टर बनेगा ये भी क्या कहलाएगा, मेरा माइनस बी ही कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सो स्टूडेंट, यहाँ हमने बात की टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, अब इससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। टिल देन आप टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को एक बार अच्छे से समराइज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।